नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने गुरुवार यानी कि 8 फरवरी 2024 को दिल्ली के लिए कूच कर दिया। इस दौरान पुलिस की कोशिश रही कि वो उन्हें रोक सके। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि वो संसद का घेराव करेंगे। किसान मुआवजा, नौकरी सहित कई मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। चीला बॉर्डर पर जाम के हालात हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान महामाया फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। इकट्ठा होकर चीला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से लेकर चीला बॉर्डर तक जगह जगह ट्रैफिक जाम है। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया है। वही 81 गाँव के किसान नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि 10% प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम कर लिए हैं, उन्हें वापस दें। किसानों का आरोप क्या क्या है? एनटीपीसी के मुआवजे में एक नीति नहीं, एनटीपीसी का अलग अलग रेट पर मुआवजा, नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया, नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट वापस ले लिए, अंसल बिल्डर ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं आज नजर आ रही है। किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली से नोएडा आने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगातार लगा हुआ है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, किसान के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम है। रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली नोएडा चीला बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर क्रेन, बुलडोजर, ब्रिज वाहन, ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर वो प्रदर्शन रोक देते हैं तो, लेकिन सवाल ये कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर आगे क्या विकल्प है प्रशासन के पास? दरअसल गौतम बुद्ध नगर के ACP लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीना ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में सेशन 144 लागू कर दिया गया है। सभी बॉर्डर्स को 24 घंटे के लिए सील किया गया। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। नोएडा आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सेशन 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने, धार्मिक, राजनीतिक सहित अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस पर रोक है। ट्रैफिक पुलिस ने दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर, फतेहपुर, ग्रेटर नोएडा के अन्य मार्गों पर डायवर्जन के बारे में पब्लिक को आगाह कर दिया है। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते दिल्ली के नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। कालिंदी कुंज से लेकर सरता विहार तक लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे आम जनता बेहद परेशान हो रही है। सोनिया विहार, DND, चिल्ला, गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा, लोनी सीमाओं से जुड़े मार्गों पर भारी ट्रैफिक है। नोएडा पुलिस का कहना है कि सुबह 7 बजे से आज और 10 बजे तक रात यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी, मध्यम या हल्के मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि मांगों को लेकर एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि 81 गांव के किसान बताए जा रहे हैं। आगे देखना होगा कि कहीं हालात 2020 वाले तो नहीं होंगे।